YouTube में फिर से तीन न्यू अपडेट आ गई है जो कि बहुत ही कमाल की अपडेट है और इस वीडियो में मैं आपको सारे अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है YouTube पर एक फीचर है कम्युनिटी टैब, जिसमें आप फोटो वीडियो पोस्ट करते हैं। उसमें अब तक क्या होता था कि वो परमानेंट वहाँ पर पड़ा रहता था जब तक कि क्रिएटर खुद से उसे डिलीट ना करे। अब यहाँ पर YouTube एक नया फीचर लेके आ रहा है जिसमें आपको अब एक्सपायरी डेट भी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपके कम्युनिटी पोस्ट में जितने वीडियो फोटो पोस्ट हैं उसको मिनिमम 24 आवर्स के लिए आप सेट कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएंगे वो फोटो वीडियो और आर्काइव में चली जाएंगे। उसके बाद आप 48 घंटों के लिए सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 72 घंटों के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 48 घंटों के लिए किसी फोटो या वीडियो को सेट किए हैं तो 48 घंटों बाद वो ऑटोमेटिक कम्युनिटी टैब से रिमूव होकर आर्काइव में चली जाएगी। वो एक बार से आर्काइव में चली गई तो फिर आप उसे दोबारा शेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपडेट नंबर सेकंड की। दूसरा अपडेट है दोस्तों मोनेटाइजेशन को लेकर, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। आपको पता है YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको ज्वाइन बटन मिला हुआ है, जिनके चैनल मोनेटाइज है, जिसको उन्होंने ऑन किया हुआ है। कोई भी उनको ज्वाइन करके उनके चैनल का मेंबर बन सकता है और अब तो न्यू फीचर भी आ गया है, जिस चैनल के जो मेंबर है अब वो उस चैनल के होम पेज पर भी दिखाई देंगे। अब इसमें एक न्यू चीज जोड़ दी गई है, मेंबरशिप गिफ्टिंग। इससे क्या होगा, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फेवरेट चैनल के मेंबरशिप लेना चाहते हैं लेकिन वो मंथली उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें अपडेट ये है कि अब कोई भी क्रिएटर या व्यूअर्स मेंबरशिप गिफ्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मनोज जो चैनल का 10 मेंबरशिप मैंने खरीद लिया और उसे 10 लोगों को गिफ्ट कर दिया, या मनोज देव खुद अपने मेंबरशिप खरीद कर अपने व्यूअर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। वो लाइव रहेंगे तो उसके दौरान वो गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को, और वो मेंबरशिप उनके पास एक महीने तक रहेगा जिनको वो गिफ्ट करेंगे। लेकिन उस मेंबरशिप जो खरीदेंगे वो पैसा उन्हीं को देना होगा, जो बाइक मतलब मेंबरशिप बाइक करेगा उन्हीं को पैसा देना होगा, मतलब व्यूअर्स को वो फ्री में मेंबरशिप मिल जाएंगे। अपडेट नंबर तीसरी अपडेट बहुत ही मस्त है दोस्तों। देखिए YouTube का दो मेन एप्लीकेशन है, YouTube और YT स्टूडियो। पहले क्या होता था दोस्तों, हम अपने वीडियो का थंबनेल जो है उसे YT स्टूडियो से ही चेंज या अपडेट कर पाते थे, लेकिन अब न्यू अपडेट में हम YouTube ऐप से भी अपना थंबनेल चेंज या अपडेट कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर तीन अपडेट है दोस्तों YouTube में, जो मेरे को थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, थर्ड नंबर और वन नंबर। दूसरा अपडेट मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अपडेट सबसे बेहतर लगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।